जब से मोदी गवर्नमेंट इख्तदार में आई है, कई एक एनजीओस के ऊपर, कई एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, कई आज़ादी से काम करने वाले मीडिया के ऊपर जो है इन्हों कमर कसते हुए आए हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हुए आए हैं, उनको टारगेट बनाते हुए आए हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंट क्लोज हुआ है, ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हम पहले दिन से ही इस तंजीम में जुड़े हैं, हर एक मेंबर इसमें जो जुड़ा है, ये पूरे तकलीफ़ों को, ये पूरे परेशानियों को, ये पूरे रुकावटों को सुनकर ही जो है हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं। मैं इन संघ परिवार वाले को, इस इशारे पर चलने वाली ईडी को कहना चाहता हूं, विजय मल्ला, नीरव मोदी और ऐसे कई हज़ार भगोड़े जो भागकर मुल्क से गए हैं, उनके ऊपर तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? जय शाह, अमित शाह का बेटा एक साल के अंदर 50,000 से 800 करोड़ का मालिक बन जाता है। This video is brought to you by Kuba Soil Conditioners, manufacturer of organic manure. उसके पास ये 800 करोड़ रुपए कहाँ से आए? ईडी तुम किधर गए थे? ऑपरेशन कमला के नाम पर हजारों करोड़ रुपए के देकर जो है बीजेपी एमएलए उसको खरीदती है, उस वक्त में ईडी कहाँ गई थी? ये ईडी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण आइडियोलॉजी के रोकने वालों के खिलाफ काम करती है, मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलने वालों के ऊपर काम करती है, आरएसएस के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ काम करती है। ईडी अपना जो है क्रेडिबिलिटी खो दी है, अपनी इज्जत खो दी है। आज जो है एक तरफ एनआईए निकाह इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो दूसरी तरफ ईडी जो है मोदी के जो है चप्पलों के ऊपर चलने वाली, मोदी के इशारों पर चलने वाली तंजीम है। हम ये कहना चाहते हैं, ईडी कुछ भी कर लो, हमारे ऊपर तुम एसटीएफ लगा दिए, हमारे ऊपर तुम ईडी लगा दिए, एनआईए लगा दिए, और कितने सीबीआई है सब लिखाकर लगा दो। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया साफ सुथरा काम करने वाली तंजीम है, ट्रांसपेरेंट काम करने वाली तंजीम है, ये हिंदुस्तान के हर एक के दिल में बसी हुई तंजीम है। हमारी पॉकेट हमारा अकाउंट है, हमारी जेब की पॉकेट हमारा अकाउंट है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को, हिंदुस्तानी दलितों को जब तक उनके हकूक नहीं दिलाएंगे, आप जेलों में भर दो, जेल से हम होराटा शुरू कर हमारी कामयाबी हासिल करेंगे। हम एक कदम भी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं।